पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतुपजन्यः पृथिवीशस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभयितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्मनाशनम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोत्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरुमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं ख्याति मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणपतिदेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोली गीता गोपाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सत्संग मिले, तो उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री अष्टावक्र गीता के माध्यम से आजकल हम कुछ स्वाध्याय कुछ सत्संग चर्चा कर रहे थे। पहला प्रकरण उसमें कंप्लीट हो गया था। पहले प्रकरण में कुल 20 श्लोक हैं। उस 20 श्लोकों में पहला श्लोक तो जनक जी बोले हैं एक प्रश्न के रूप में, जिसमें उन्होंने 3 प्रश्न किए थे, और बाकी 19 श्लोक अष्टावक्र जी ने उसका उत्तर देते हुए कहे हैं। तो इन 19 श्लोकों के अंदर जनक जी में कुछ ऐसा परिवर्तन आया, ऐसी कुछ घटना घटी है कि वो अब रह नहीं पाए। अब दूसरा प्रकरण पूरा 24-25 श्लोक वो इकट्ठे एक साथ बोल गए, और इतने सारे श्लोक एक साथ क्यों बोले? क्योंकि उन्हें शब्द नहीं मिल रहे उस स्थिति का वर्णन करने के लिए, जिस अवस्था में जनक जी आ गए अचानक। और ऐसा ही होता है अगर कोई इतने समर्थ सद्गुरु हो, महर्षि अष्टावक्र जी जैसे, और
एक शिष्य हो जनक जी जैसा, जो बिल्कुल तैयार बैठा था उसको रिसीव करने के लिए, जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बने तो एक घटना घट जाती है, और ये घटना इंस्टेंट होती है, इसमें कोई देर लगने का काम नहीं होता। भगवत प्राप्ति कोई समय का के ऊपर आधारित नहीं होता, काल के ऊपर आधारित नहीं होती भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति या अपना स्वरूप साक्षात्कार, अपनी पहचान, आप इसको किसी भी नाम से कहिए, वो एक ही घटना है जो अचानक घटती है। ये 19 श्लोक असल में एक-एक जगह पर चोट करते हैं। जैसे 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और 5 प्राण होते हैं, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपने 19 ऊंटों वाली कथा कई बार सुनी होगी। ये 19 ऊंट है जिसमें एक 20वां ऊंट मिलाना पड़ता है, और वो 20वां ऊंट है आत्मा, अपना स्वरूप। कथा ऐसे आती है कि एक कोई व्यक्ति था, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पास 19 ऊंट थे। वो वसीयत करके गया, वसीयत में लिखा था कि 19 ऊंट में से मेरे पास जो 19 ऊंट हैं, उनमें से आधे ऊंट मेरे बड़े बेटे को दे दिए जाएं, और 1/4 मेरे छोटे बेटे को दे दिए जाएं, और उसके 1/5 वो सबसे छोटे बेटे को दे दिए जाए। इस तरह से बंटवारा करके चला गया। अब जब वसीयत पढ़ी गई तो लोग परेशान हो गए। 19 का आधा भी नहीं होता, 19 का 1/4 भी नहीं होता, 19 का 1/5 भी नहीं होता। होता है लेकिन ऊंट के सब्जेक्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो फिर ऊंट को काट के तो नहीं बांटा जा सकता। अब समस्या आ गई। लोग कागज पेन लेके हिसाब कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इतने एक माह से एक कोई राहगीर, कोई मुसाफिर चला गया, वहां से जा रहा था। उसने देखा शोर शराबा हो रहा है, वो रुक गया। उसने कहा कि क्या बात है, क्या फैसला नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने उसको वो वसीयत पढ़ के सुनाई, तो बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे पास एक ऊंट है, आप इसको इनमें मिला लो और अब इसका बंटवारा कर लो। तो बड़े बेटे को तो मिल गए 10, उससे छोटे बेटे को मिल गए 5 1/4, 20 का 1/4 हो गया 5, और 20 का 1/5 हो गया 4, तो ये टोटल हो गए 19, 19 के 19 रहे। और उसने कहा ठीक है, अब ये एक ऊंट मेरा वापिस कर दो। तो उसने वापिस लिया और चला गया। लोग हैरान होके देखते रहे। तो जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, अगर हल ना होते हो, जीवन की हमारी जो समस्याएं हैं, इतने मुश्किल प्रश्न हैं, ये हल नहीं होते, तो उसमें ये रहता है कि आप अपने इस आत्मा के लेवल पे आ जाओ, अपनी आत्मा को इसके साथ मिला दो। और उसको बीच में मिलाने से जीवन के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो ये वो 20वां ऊंट था जो प्रश्न के रूप में जनक जी ने किया। इतना सुंदर प्रश्न था कि उसके जवाब में जो 19 श्लोक आ गए, वो श्लोक ऐसे थे कि उसके बाद जनक जी की मानो नींद खुल गई हो। अब एक दिए से दूसरा दिया जलाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो दिया जिसको जलाया जाना है वो भी तो तैयार होना चाहिए। तो जनक जी की भूमि तैयार थी, जनक जी साधना में बहुत आगे बढ़े हुए थे, उनकी भूमि तैयार थी, और इसलिए उनके ऊपर इतना असर हुआ कि उनको पहला चैप्टर सुनते ही, पहला प्रकरण के 19 श्लोक सुनते ही
एकदम से अनुभूति सी हो गई। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये अष्टावक्र गीता हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, हमें पता नहीं कब कहाँ कहाँ से कितनी बार सुन चुके हैं, हमें तो कभी ऐसी अनुभूति हुई नहीं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ चेंज तो आता है, कुछ ना कुछ सोचने के ऊपर ये मजबूर तो करती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ अंदर से वाइब्रेशंस जरूर आती है। और परिवर्तन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि अगर कोई कहने वाला वाकई अनुभवी व्यक्ति है तो उसके कहने का असर ज्यादा होता है, अगर कोई खुद अनुभव से नहीं सिर्फ पढ़ के बोल रहा है तो उसका असर नहीं होता। अब जैसे एक कथा आती है कि साहब किसी किले के ऊपर कुछ सैनिकों ने चढ़ाई कर दी, तो किले के अंदर से छुप के कुछ सैनिक थे उनके ऊपर गोले बरसाने लगे, उनकी आधी सेना नष्ट हो गई, लेकिन किले का दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब इनका जो सेनापति था उसने कहा कि काश हमारे पास एक दो हाथी और होते तो वो इसको धक्का मार के अपने दांतों से दरवाजे को तोड़ देते, लेकिन क्या करें हमारे सारे हाथी मर गए। उसके बाद सुन के एक सैनिक गया, उसने जाके मरे हुए हाथी का एक दांत उखाड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि जब हाथी के दांत से दरवाजा टूट जाता है तो उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा हाथी के दांत से नहीं टूटता, दांत के पीछे जो हाथी की शक्ति होती है उससे टूटता है। तो ये जो किले का दरवाजा, हमारे जो बंद किले हैं अंतःकरण के, इनका जो दरवाजा खुलता है इन श्लोकों से नहीं खुलता है। श्लोकों को समझाने के पीछे अगर वाकई किसी अच्छे संत की, सदगुरु की या किसी अनुभवी व्यक्ति की शक्ति पीछे होती है तो उसका असर होता है। इसीलिए शायद हम लोगों के ऊपर असर नहीं हो पाता मे बी, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी पत्थर टूटेगा तो एक ही चोट से टूट जाएगा, लेकिन वो चोट से पहले कई सारी चोट पारनी पड़ेंगी तब जाके टूटेगा। तो धीरे धीरे चोट करते रहेंगे, धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, हम अपनी तरफ से सिंसियरली, देखिए मैं आपको बहुत सही बात बता रहा हूँ, अपनी तरफ से हम सिंसियरली अपनी भूमि को तैयार रखेंगे, हम अपना स्वाध्याय, अपना नाम जप अभ्यास ये सब कुछ करते रहेंगे, और उसके बाद कौन सी स्टेज में किसने आके हमारा दरवाजा खटखटाना है ये उस परम सत्ता को मालूम होता है कि किस समय आपको किस रूप में सहायता भेजनी है, ये सब भगवान को पता होता है। तो कभी कोई ना कोई आके हमें हमारी भी नींद से जगाएगा। तो यहाँ दूसरा प्रकरण शुरू होगा, दूसरे प्रकरण में सीधे सीधे जनक जी बोले हैं, जनक उवाच, अहो निरंजनो शांतो बोधोहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालं मोहे नैव विडम्बितः। बहुत सुंदर शब्द है अहो, अहो मतलब अरे, हैरानी से कहते हैं ना, जैसे अहो ये क्या हुआ, अहो मैं कौन हूँ, मैं तो निरंजन हूँ, मैं शांत हूँ, मैं तो बोध हूँ, मैं तो प्रकृति से परे हूं। अहो निरंजनो शांतो बोधो हम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालेन, एतावन्तमहं अहम कालम मोहे नैव विडम्बितः। एतावन्तम का मतलब होता है कि इतने समय तक, अब तक, कालम बहुत सारे समय से, मोहेन एव विडम्बिता मैं मोह के द्वारा ही ठगा गया, मोह ने मुझे ठग लिया था, मेरे पास खजाना मेरे अंदर था, वो जो मुझे चाहिए था वो तो मेरे अंदर ही था, लेकिन वो मुझे मोह के कारण भूला हुआ था,
वो तो मोह के, मोह ने मुझे ठग लिया था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास क्या है। जैसे कोई भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहा है, जिस कटोरे में भीख मांगता था, जब वो मर गया तो उसका कटोरा देखा गया तो वो पता चला कि वो सोने का कटोरा है। उसको पता ही नहीं था कि वो इतना अमीर है, उसको भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं थी, भीख मांगने की। हमारे पास इतना आनंद, इतनी शांति, इतना बोध, इतनी चेतनता है, हम इसके स्रोत हैं, हम इसके सोर्स हैं। हमें पता ही नहीं था। जनक जी हैरान होके कह रहे हैं, अहो निरंजनो, निरंजन मतलब निर्दोष, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मैं बिल्कुल शुद्ध निरंजन शांत, मैं तो शांत ही हूं, मुझे अशांति कहां से आई। इतने शांत स्वरूप को लेने के बाद भी हम अशांत बन के दुनिया भर में भटकते फिरे तो ये तो हमारा भाग्य ही खराब है। तो कहते हैं कि साहब मैं तो ऐसे ही बेचैन हो रहा था, मैं तो शांत ही था, निरंजन और शांत, निर्दोष और शांत। कौन? बोध। बोध मतलब ज्ञान स्वरूप, कॉन्शियसनेस। मैं तो केवल एक प्योर कॉन्शियसनेस था, नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध। ये चार शब्द आत्मा के साथ याद रखने चाहिए और ये चारों अपने आप को याद दिलाने चाहिए कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूँ, ये मेरा स्वरूप है। तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना निर्दोष हूँ, इतना शांत हूँ, मैं तो फिर प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, बोध ही मात्र हूँ। मेरा इस प्रकृति से क्या संबंध, मैं तो इस प्रकृति से परे हूँ, प्रकृति तो बहुत तुच्छ है मेरे आगे, मैं तो इस प्रकृति के बियॉन्ड हूँ, बियॉन्ड दिस नेचर। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति किसको कहा गया यहाँ पे, जो पंच भौतिक प्रकृति है उसको प्रकृति कहा गया। मोटे तौर पर आप कहें तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी क्रिया, कोई भी अवस्था, ये सब प्रकृति है। गो गोचर चह लगी मन जाई, तो सब माया जानहु भाई। जहां तक हमारा मन जा सकता हो, जहां तक हमारी इंद्रियां जा सकती हो, तो वो सब कुछ प्रकृति ही है, सब कुछ माया ही है, उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। मैं तो उससे बहुत आगे हूं, मैं तो उससे बहुत ऊपर, मैं तो उससे अपर हूं। प्रकृति पर, प्रकृति से पर हूं, अपरा प्रकृति से भी पर हूं, परा प्रकृति से भी पर। यहां उतार दो। शहर ने लिखा कि ना मैं बंदा ना खुदा था, मुझे मालूम ना था, ना तो मैं इंसान था, ना तो मैं बंदा था, ना ही मैं खुदा था, मुझे मालूम ना था, दोनों इल्लतों से जुदा था, मुझे मालूम ना था। दोनों इल्लतों मतलब दोनों उपाधियों से मैं जुदा था, मैं अलग था, मैं ऊपर था। मैं प्रकृति नहीं हूं तो क्या मैं परमात्मा हूं, क्या मैं भगवान हूं, क्या मैं खुदा हूं? कहते नहीं, प्रकृति और भगवान ये तो उपाधियां हैं, इन उपाधियों से परे आत्म तत्व हूं मैं, आत्मा उस परमात्म तत्व का एक एक्सप्रेशन हूं, उसी की एक अभिव्यक्ति हूं, जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, उसका नाम परमात्मा भी नहीं हो सकता, उसका नाम आत्मा भी नहीं हो सकता, वो चेतन तत्व है। तो क्योंकि जिसके कोई नाम नहीं होता उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, कभी उसको निरंजन कहते हैं, कभी शांत कहते हैं, कभी बोध कहते हैं, कभी प्रकृति परा कहते हैं, कभी पीछे उसको असंग कहते हैं, निसंग कहते हैं, अक्रिय कहते हैं, चित कहते हैं। तो बहुत सारे विशेषण, बहुत सारे नामों से, अलग अलग शब्दों से, क्योंकि जब इस मार्ग पर आप
वर्णन करने चलते हैं। जब जनक जी देखिएगा इतने हैरान होकर अपनी अवस्था का वर्णन करने लगे हैं तो उनको अब शब्दों की कमी पड़ने लगेगी। वो बार बार कभी कुछ बोलेंगे, उसको बीच में छोड़ के कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, अंत में कह नहीं पाएंगे। आज तक जिसको भी ये अनुभूति हुई बाहर से नहीं हुई है, हमेशा अंदर से हुई है, हमेशा, क्योंकि ये है ही अंदर। हमारा जो स्वरूप है उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो है तो अंदर ही, अंदर से ही अनुभूति होनी है। आपन को आप ही में पायो। कबीर जी का ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मैं कितनी बार इसको कोट करता हूँ। आपन पौ आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारा, सदगुरु भेद बतायो। जैसे सुंदरी सुतले सूती सपने गयो हिराई, जाग परी पलंग पर पायो ना कछ गयो ना आई। जैसे कुंवरी कंठ मणि हीरा आभूषण बिसरायो, संग सखी मिल भेद बतायो, जीव को भ्रम मिटायो। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत अच्छे। कहते हैं कि एक मान लो कोई महिला अपने बच्चे को लेके पलंग पे सो गई और सपने में बच्चा गुम हो गया, तो चिल्ला के रो रही है, ढूंढ रही है उसको। अचानक नींद खुली तो पलंग पे ही पड़ा था, वो उसके साथ ही लेटा हुआ था, कुछ गया भी नहीं, कुछ आया भी नहीं। बिल्कुल ऐसी अवस्था होती है। एक को महिला आटा पीस रही है चक्की पे, आटा पीसते पीसते जैसे हिली तो उसका जोर जोर से हिलने से उसका गले का जो हार था, वो हार का जो पेंडेंट था वो पीछे गिर गया, और उसने जब झुक के देखा तो जो हार उसके साथ साथ हिल रहा था वो उसको दिखाई नहीं दिया, और वो रोने लगी कि मेरा हार गुम हो गया। तो साथ में कोई सखी बैठी थी, उसने उसका भेद बताया, उसने कहा कि देख ये रहा तेरा हार, आगे कर दिया तो उसकी नजर पड़ गई। कहीं कुछ गया नहीं था, कहीं कुछ आया नहीं था। जैसे मृग नाभि कस्तूरी ढूंढत बन बन धायो, नासा स्वाद भयो जब वाके उलट निरंतर आयो। कहा कहूं वा गुरु वा सुख की महिमा, ज्यो गुंगे गुड़ खायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों का त्यों ठहरायो। जैसे नाभि में कस्तूरी वाला जो मृग होता है, हिरण होता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है। उस खुशबू के पीछे पागल होके वो जंगल जंगल घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, दौड़ दौड़ के थक जाता है। थक के जब सिर नीचे करके बैठता है तो उसका सिर अपनी नाभि के साथ चला जाता है, और उसको वहां से जब खुशबू मिल जाती है तो बस वो वहीं का वहीं ठहर जाता है। फिर उसका दौड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि वो खुशबू और कहीं से नहीं आ रही थी, वो उसके पास, उसके अपने पास से आ रही थी। बस कबीर जी कहते हैं कि ये जो आनंद है, ये जो अनुभूति है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। कैसे कही जा सकती है? हम जैसे गूंगे ने कोई गुड़ खाया, उससे पूछिए कैसा लगा, तो बता ही नहीं पाएगा कैसा लगा। बस गुड़ खा के देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो जिसको ये अनुभूति होती है उसके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, वही जनक जी के साथ होने वाला है। तो कहते हैं कि एतावंतम अहम कालम, इतने समय तक मैं मोहेन एव विडंबिता, मोहेन एव विडंबिता, मोह के द्वारा ही ठगा गया, मोह ने हमें ठग लिया है। मोह तो यही है कि हम है तो कुछ समझते हैं खुद को और कुछ, हम है तो सच्चिदानंद ब्रह्म, हम समझते हैं अपने आप को बदलने और नष्ट होने वाला शरीर, बदलते हैं अपने आप, अब समझते हैं अपने आप को बदलने और दुखी सुखी होने वाला मन और बुद्धि, तो इसलिए हम बेचैन रहते हैं, इसलिए हम अशांत रहते हैं। तो
तो जब हमें थोड़ा सा ये ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के होते ही फिर शांति ही शांति है, फिर बोध ही बोध है, और वो बोध निर्विकल्प बोध होता है, वो बोध फिर उसमें विकल्प नहीं होता। विकल्प का मतलब फिर और दूसरा थॉट उसमें नहीं आता, उसमें बस फिर उसमें गए तो गए, वहां से फिर वापसी नहीं होती उस पर। उस अवस्था के बाद आप उसी अवस्था में रहते हैं, फिर आपको फिर कोई वहां से विचलित नहीं कर पाता। तो श्लोक नंबर दूसरा, यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वं अथवा न च किंचन। अब वो फिर से कहने की कोशिश कर रहे हैं जनक जी, कहते हैं कि या तो देखो कितनी हैरानी की बात है कि मैं ही इस जगत को प्रकाशित कर रहा था और मैं ही इस शरीर को प्रकाशित कर रहा था। प्रकाशित करने का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करने का मतलब होता है कि या तो ये कि मैं इसको जान रहा था, इस शरीर को शरीर जान रहा था, या तो ये है कि इस संसार को संसार जान रहा था, समझ रहा था, इसका मतलब है प्रकाशित होना। या ये है कि शरीर वास्तव में था तो नहीं, शरीर नाम की कोई चीज नहीं थी, जगत नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन मैंने ही इसको सत्ता दी, मुझ चेतन तत्व के कारण ये शरीर चेतन जैसा दिखाई दिया, मुझ चेतन तत्व के कारण ये जगत चेतन जैसा दिखाई दिया, स्वप्न जैसा ये जगत सत्य जैसा प्रतीत हुआ। किसके कारण? मेरे कारण। मैं ही वो चेतन तत्व हूं जिसके कारण ये सपने जैसा जगत सत्य जैसा लगा। आप कल्पना कीजिए, एक किसी व्यक्ति को सपना आया, मान लीजिए मैं अपने पलंग पे सोया, तो मैं कितने, मैं एक ही तो, मैं एक व्यक्ति पलंग पे सोया, सो के अचानक मुझे सपना आया कि मैं किसी मॉल में गया, उस मॉल में सैकड़ों लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं, उसमें अनेकानेक दुकानें दिखाई दे रही हैं, बीच में चलने वाली एक बैटरी की वो दिखाई देती है, मोटर दिखाई देती है, शोरूम में लगा हुआ सामान दिखाई देता है, कल्पना करते जाइए, सीढ़ियां दिखाई देती हैं, एस्केलेटर्स दिखाई देते हैं। अच्छा, वो सब देखने वाला कौन था? मैं था। वास्तव में मैं अपने आप को उस सपने में देख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जितने लोग दिखाई देते हैं वो और कोई नहीं थे, मैं ही तो था, मैं स्वप्न दृष्टा इतने हजारों सैकड़ों लोगों के रूप में अपने आप को दिखाई दे रहा था। इतनी सारी शॉप्स मुझे जो दिखाई दे रही थी वो कौन थी, कहां से आई, मैंने क्रिएट की थी, मैं ही था। और उन शॉप्स के अंदर लगा हुआ सामान जो दिखाई दे रहा था वो भी मैं ही था, कस्टमर भी मैं ही था, दुकानदार जो शॉपकीपर था वो भी मैं ही था। तो मैं एक अनेक रूपों में दिखाई देने लगा था, मैं स्वप्न दृष्टा अनेक रूपों में, स्वप्न में अनेक रूपों में दिखाई दे रहा था। उसी तरह से एक स्वप्न दृष्टा वो परमात्मा, एक स्वप्न दृष्टा वो मैं आत्मा, इस जगत में इतने रूपों में दिखाई दे रहा हूं। इसको समझना कोई मुश्किल तो नहीं है, कल्पना कीजिए। वही बात जनक जी कहते हैं कि अहो ये क्या हुआ, ये तो मैं शरीर को मैं ही प्रकाशित कर रहा था और इस सारे जगत को भी मैं ही प्रकाशित कर रहा था। यथा प्रकाशयामि एको देहम एनम तथा जगत,
जिस प्रकार से मैं इस एक शरीर को प्रकाशित कर रहा था, उसी तरह से इस सारे जगत को प्रकाशित कर रहा था, सारे जगत को प्रकाशित करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो निकाल रहे हैं कि या तो अतः मम जगत सर्वम, ये सारा जगत मेरा ही तो है, फिर मेरा ही स्वरूप है तो मेरा ही है, या तो ये सब मैं ही मैं हूं, मेरा ही मेरा है। अगर मैं अपने आप को भी भूलता हूं तो फिर ना तो ये कुछ मेरा है, ना मैं किसी का हूं, ना ये सब मैं हूं, ना ये कुछ और है। तो कहते हैं कि या तो ये सारा जगत मेरा ही है, या तो मैं सहित ये सारा जगत किसी कुछ है ही नहीं, मैं मतलब मैं शरीर, या तो इस शरीर सहित सारा जगत मेरा है क्योंकि ये मैं इसको स्वप्न दृष्टा हूं, तो क्योंकि मैंने इसको क्रिएट किया तो ये सब मेरा ही है, और या फिर ये हो सकता है कि ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये जगत है, ना ही मैं शरीर हूं। बहुत ही अचंभित है, बहुत ही चमत्कृत है अष्टावक्र जी उस अवस्था में, वो कितनी ऊंची बातें कह रहे हैं, ये जनक जी कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं कि या तो मैं सब कुछ हूं, या तो मैं कुछ नहीं हूं। वेदांत में या अध्यात्म में आपके ये इस मार्ग में, या तो आप सब कुछ हो सकते हैं, ज्ञान मार्ग में आप सब कुछ हो जाते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं, या आप नथिंग हो जाते हैं, या तो एवरीथिंग हो जाते हैं या फिर नथिंग हो जाते हैं, नथिंग शून्य, शून्यवाद, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जीरो। भक्ति मार्ग में चलने वाले अपने आप को बिल्कुल मिटा देते हैं, जीरो कर देते हैं। ज्ञान मार्ग में भी ऐसा ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि या तो मैं सब कुछ हो सकता हूं, या मैं जीरो, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, जहां मोह आ जाएगा वहां मैं कुछ ना कुछ बन के बैठ जाऊंगा, और जब मैं कुछ बनने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिए, जब मैं कुछ बनने की कोशिश करूंगा तो मार खाऊंगा, तो कहीं ना कहीं फिर ठगा जाऊंगा। एक महात्मा जी और उनका शिष्य कहीं जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में जब थकावट सी हुई पैदल चलते चलते, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बड़ी सी कोठी है, उसका लॉन है बड़ा सुंदर, उसमें जाके वो बैठ गए आराम करने के लिए। तो जो कोठी का जो चौकीदार था वो दौड़ता आया, उसने कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो, ये तुम्हारा कोई बाप का घर है, जाओ भागो यहाँ से। तो महात्मा जी तो उठ के चल पड़े, लेकिन जो उनका शिष्य था वो बैठा रहा। उसने कहा कि कैसे ऐसे कैसे उठा सकते हैं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा थोड़ी, आराम करने के लिए तो बैठे हैं, क्या हो गया। वो लाठी लेके आया पास में, उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाते हो कि नहीं जाते हो तुम कौन? बोला कि मैं तो इतने बड़े गुरु का शिष्य हूँ, अपने गुरु जी का नाम जो महात्मा चले गए थे उनका नाम लिया, मैं उनका शिष्य हूँ। तो उसने कहा तू किसी का भी शिष्य हो, भाग जाए यहां से, दो डंडे मारे उसको। अच्छा, वो शिष्य गया वापस अपना, वो भी उठ के चला गया अपने गुरुजी के पास, जाके बोला कि महाराज आपको तो कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ने एक ही अपराध किया था कि वहां जाके बैठ गए थे, एक ही क्रिया थी, तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्यों बिगड़ा? तो बोले कि तू जरूर कुछ ना कुछ बनने की कोशिश की होगी, तो जरूर कुछ बना होगा। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं बना, मैंने तो केवल इतना कहा था कि मैं वो वाले गुरुजी का शिष्य हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो वो बना था तो फिर उसका प्रसाद तुझे मिला। संसार में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप कुछ बनते हैं, जब आप कुछ भी बनते हैं तो मार खाते हैं, आप पिता बनते हैं, आप बेटा बनते हैं, आप माँ बनते हैं, आप दोस्त बनते हैं, आप बॉस बनते हैं, आप कुछ भी बनते हैं, तो फिर उसके अंदर फंस जाते हैं। मार खाना मतलब फंस जाना, फंस जाना मतलब बंधन में आ जाना।
फिर आप उससे संबंधित जितने भी दुख सुख हैं उसके भुक्ता बनते हैं, उससे भी जितनी परिस्थितियां आनी है जिस प्रकार की, उन परिस्थितियों के भुक्ता बनते हैं। और जब आप इस अवस्था में, जनक जी वाली अवस्था में पहुंचते हैं, तो फिर तो बिल्कुल निर्द्वंद, निराकार, निर्विकार, शांत बोध मात्र बन रह जाते, फिर आप कुछ भी नहीं रहते। तो कहते हैं कि या तो फिर मैं सहित, मेरे शरीर सहित सारा जगत मेरा है, सारा जगत मेरा है मतलब मेरा ही स्वरूप है। ये भी बहुत ऊंची अवस्था है, अगर आप सब तरफ अपने आप को ही देख सकें, सब तरफ परमात्मा को देखें तो बहुत उत्तम, सब तरफ अपने आप को देखें तो और भी उत्तम, और अपने आप को भी भुला दे तो सबसे उत्तम, फिर कुछ रहे ही नहीं, कुछ बचे भी ना। फिर उस अवस्था में तो जगत भी नहीं, शरीर भी नहीं, जगत और शरीर एक ही जाति के हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के हैं। आत्मा तो परमात्मा के साथ मर्ज होके विशाल हो गया, शरीर संसार के साथ मिलके गायब हो गया। गायब हो गया का मतलब लिटरली नहीं, लिटरली मतलब ऐसा नहीं कि अभी था अभी गायब हो गया, अब वो केवल एक ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है, ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई अनुभूति हो ही नहीं रही। वासुदेव है सर्वम, वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है, ये अनुभूति होते 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 सर्वम सर्वम भी गायब। मैं सर्वम, सर्वम क्या होता है, सर्वम भी कुछ नहीं होता, बस वासुदेव वासुदेव रह गया। जब समुद्र लहर को देखता है तो उसको लहर दिखाई देती है, कोई छोटी लहर कोई बड़ी लहर, उसके बाद उसे अनुभूति होती है कि लहर मेरा ही तो स्वरूप है, मेरा ही तो परिवर्तित रूप है, तो उसको लगता है केवल मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं बस। और फिर उसको लगता है कि मैं क्या हूं, मैं भी तो कुछ नहीं हूं, केवल जल ही जल है, जल ही जल है। तो यहाँ पे आके बस शांत हो जाता है, वाणी मौन हो जाती है। इसके बाद नाहम वेद सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च, न तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं सब जान गया, न तो ये कह सकता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और न ही मुझे कुछ संदेह है कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता, और मेरे स्टेटमेंट को वही जान सकता है जो जानता। बड़ी विचित्र भाषा हो जाती है इस अवस्था में, क्योंकि शब्द ही नहीं होते, ये शब्दकोश तो इस प्रकृति का हिस्सा है, और वो कहता है कि मैं तो प्रकृति से परे हूँ। हमारे पास जितना भी वोकैबुलरी है, जो भी शब्दकोश है जिनसे हम कुछ भी वर्णन करते हैं, वो सारा इस प्रकृति का हिस्सा है। तो इस प्रकृति का हिस्सा है तो वो फिर प्रकृति का वर्णन तो नहीं कर सकता। आप किसी ने कहा कि साहब आप कहते हैं कि सारा जगत स्वप्नवत है, सपना है, मिथ्या है, तो ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं ये भी तो इस जगत का हिस्सा है, ये भी तो बुक्स फॉर्म में है, शब्दों की फॉर्म में है, भाषा की फॉर्म में है, तो ये सब भी तो प्रकृति का हिस्सा है, तो क्या ये भी स्वप्नवत है, ये भी स्वप्न है। तो एक संत ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ये भी स्वप्न है ये, लेकिन स्वप्न के शेर हैं, शेर ये जब दहाड़ते हैं तो नींद खुल जाती है, ये सपने के शेर जब दहाड़ेंगे तो उसे नींद खुल जाएगी, और नींद खुलेगी तो बस फिर तुम्हें इन ग्रंथों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर तो आप खुद ही कह बैठोगे कि अहो निरंजनो शांतो बोधो हम प्रकृते परः, तो मैं ही वो निरंजन, वो मैं ही वो बोध शांत। तो आज जनक जी फिर एक और तरीके से इसका वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। बड़ी जबरदस्त घोषणा है, ये कहते हैं कि अहो देखो कैसा हुआ कि आज
मुझे वो टेक्निक मिल गई जिस टेक्निक से परमात्मा दिखाई देते हैं। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया कौशल, कौशल का मतलब होता है वो कुशलता, वो तकनीक। कुशल शब्द आपको पता है कैसे आया था? कुशल, कुशाम लाती इति कुशला, ऐसा कहते हैं कुशा। जो पूजा पाठ में कुशा प्रयोग होती है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो लोग कुशा से भी पूजा करते हैं, कुशा भी पूजा में काम आती है। कई सारे पदार्थ लाने पड़ते हैं सुबह सुबह, तो जो गुरु लोग थे अपने शिष्यों को कुशा लेने भेजते थे। कुशा होता है जो नुकीली सी घास होती है वो। अच्छा, बाकी फूल लाना, पत्तियां लाना, बिलपत्र लाने, तुलसी के पत्ते लाने, फूल लाने, कौन कौन से फूल लाने, वो सब कुछ तो आसान है, लेकिन कुशा को लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता था। तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, जिससे कि कुशा को तोड़ते समय आपके हाथ ना कट जाए। वो टेक्निक कुशा को उखाड़ने की होती, तो जिसके पास वो टेक्निक होती थी उसको कहते थे ये कुशल हो गया। वहां से शब्द कुशल आया। इस कौशल का मतलब चतुराई या चालाकी से नहीं है। यहाँ पे कौशल का मतलब होता है टेक्निक। यहाँ जो शब्द कहते हैं कि कुतश्चित कौशलात, किसी कौशल के कारण, किसी कुशलता के कारण के द्वारा परमात्मा विलोक्यते, में मुझे परमात्मा आप दिखाई देने लगा है। और वो कुशलता क्या है कि स शरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना। मया मतलब मेरे द्वारा, अधुना मतलब अब, मेरे द्वारा अब स शरीरम विश्वम परित्यज्य, अपने शरीर सहित इस विश्व का त्याग करने के बाद मुझे वो टेक्निक मिल गई है कि मैं जिससे परमात्मा को देख सकता हूँ, सामने देख सकता हूँ। अब जिधर नजर जाती है उनको परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। ये कौशल है, ये चतुराई है। योग है कर्मसु कौशलम, गीता जी ने कहा था। वहां पे समत्व की बात हो रही थी, समत्व से ये कुशलता आएगी। योग का मतलब वहां समता था, समत्व के कारण, समता के कारण आपके जो कथनी कर्मी में करनी में समानता आएगी, उसके कारण आप जब कर्म करेंगे तो आपके कर्म कुशलता से किए हुए कर्म कहलाएंगे। कर्मों में कुशलता यही है कि आप समता से काम करें, समत्व से काम करें। समत्व यही है कि आप कण कण में परमात्मा का दर्शन कर सकें। वही बात यहाँ, कौशल की वही बात यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि अहो, आश्चर्य है, कितने हैरानी की बात है कि स शरीरम विश्वम परित्यज्य, अपने शरीर के सहित इस सारे जगत का त्याग करने के बाद मया, मेरे द्वारा अधुना अब किसी टेक्निक के द्वारा मुझे अब परमात्मा दिखाई देने लगा। शरीर का त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया, कैसे? शरीर का त्याग नहीं कर दिया, शरीर में तो बैठे, बात तो कर रहे हैं, सामने बता रहे हैं, बोल रहे हैं। वो तो इनको शाब्दिक अर्थों से लिटरली इनके मीनिंग्स को नहीं लेना, क्योंकि ये भाषा अब योगी की भाषा है। अब ये कोई साधारण व्यक्ति की भाषा नहीं है, साधारण इंसान की भाषा नहीं है। तो इसलिए हम साधारण अपने बुद्धि से उसका अर्थ लगाएंगे तो उसमें कई तरह की गलतियां निकालेंगे। हम कहेंगे कह रहे, वो कह रहे मैंने शरीर सहित विश्व का त्याग कर दिया, और शरीर में तो बोल रहे हैं, ये तो खुद बैठे हैं साहब। तो यहाँ जिस चीज का त्याग हुआ है, किस चीज का त्याग हुआ है? विनोबा जी कहते थे कि देखो, मनुष्य की सफलता इस चीज से नहीं आकी जानी चाहिए कि वो क्या क्या अचीव कर चुका, क्या क्या प्राप्त कर चुका। उसकी बड़प्पन इस बात से आकना चाहिए कि वो क्या क्या छोड़ चुका, किस किस का उसने त्याग कर दिया। त्याग का मतलब यहाँ पे है संग के त्याग से, आसक्ति के त्याग से, अटैचमेंट के त्याग से, स
सारे संसार से आपकी कोई अटैचमेंट नहीं रही तो आपसे संसार का त्याग हो गया। त्यागात शांतिर अनंतरम, गीता जी में 12वें अध्याय में बहुत सारे साधन बताए गए, साधनाएं बताई गई, अंत में एक आ गया कि सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तुम यथात्मवान होके अपने अपने आप को कंट्रोल करके अत्य कर्म को तुम सारे कर्मों के फल का त्याग करो, और इस त्याग से तुरंत इंस्टेंट शांति मिलेगी। त्यागात शांति ही अनंतरम, त्याग और शांति ये दो चीजें हैं। त्याग किया तो शांति मिलेगी, इसका मतलब त्याग पहले होगा शांति बाद में मिलेगी। कहते नहीं नहीं बाद पहले की बात नहीं, अनंतरम। अनंतरम का मतलब बिना किसी अंतर के, बिना किसी टाइम लैग के, बिना किसी टाइम गैप के तुरंत शांति मिलेगी। त्यागात शांति ही अनंतरम, ये उस त्याग की बात है कि अटैचमेंट का त्याग हो गया शरीर के साथ भी और संसार के साथ भी। ये वो टेक्निक है, इस टेक्निक को जब उन्होंने अचीव किया, अच्छे से त्याग कैसे हुआ, अटैचमेंट का त्याग कैसे हुआ, क्योंकि उनको अपने असली स्वरूप का पता चल गया। तो पता चल गया कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं इसमें इतना आसक्त क्यों हूं, मुझे होना ही नहीं चाहिए। अगर शरीर मुझे किसी पर्पस के लिए मिला है तो मुझे वो पर्पस पूरा करना है। तो इस कर्म फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप क्या क्या चीज त्याग गए, इस संसार में क्या क्या छोड़ के गए। कोई तीन दोस्त बैठे थे आपस में बातें कर रहे थे, तो अपने अपने खानदान की बड़ाई डींगे हाँक रहे थे, एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ा। तो पहले दोस्त ने कहा कि मेरे दादाजी इतने अमीर आदमी थे कि वो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 50 लाख तो कैश छोड़ के गए, इतनी बड़ी अमाउंट कैश की छोड़ के गए। और दूसरा बोला कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी तो उससे भी ज्यादा अमीर थे, वो तो जब बड़े तो वो तो इतनी इतनी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टीज छोड़ के गए, तो इतना इतना त्याग करके गए, इतने बड़े आदमी थे। अब तीसरा मुस्कुरा रहा था, उसको तो वो कुछ कहने को था ही नहीं उसके पास। तो उसको बोला कि तुम भी तो बताओ। बोला कि मेरे दादाजी तो तुम्हारे दोनों के दादाओं से भी बड़े थे, वो जब मर के गए तो वो सारी दुनिया ही छोड़ गए थे, सारी दुनिया ही छोड़ के चले गए। तो अगर उस त्याग को त्याग माने तो फिर तो वो त्याग तो सब लोग त्यागी हुए। अगर मरने के बाद त्याग किया तो फिर क्या त्याग हुआ, फिर तो सभी त्यागी हो गए। नहीं नहीं यही तैर जिता है संगो सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना, इसे शरीर के रहते रहते समता में आना है, इसी शरीर के रहते रहते असंग होना है, इसी शरीर के रहते रहते काम क्रोध से छुटकारा पाना है, राग द्वेष से छुटकारा पाना है। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः इहैव तैर्जिते सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः, वो लोग जो इसी जगत में इसी शरीर के रहते रहते साम्य में स्थित हो गए, समता में स्थित हो गए, तो वो लोग जीते हुए माने जाएंगे, वो लोग माने जाएंगे कि हाँ वाकई वो बड़े त्यागी थे। और उन त्यागियों के लिए फिर कोई इष्ट अनिष्ट और मिश्रित कर्मों का फल नहीं होता। गीता जी में कहा 18वें अध्याय में कि जो इष्ट इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीन कर्मों का, तीन प्रकार के कर्मों का फल संसारियों के लिए होता है, अत्यागियों के लिए होता है, त्यागियों के लिए नहीं होता। त्यागियों का मतलब
जो कर्म फल का त्याग कर चुके हैं, जो कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर चुके हैं, जो संसार में आसक्ति का त्याग कर चुके हैं, उन त्यागियों के लिए कर्म फल नहीं होते, उन त्यागियों के लिए कोई दुख सुख नहीं होते। तो यहाँ उसी अवस्था की बात हो रही है। स शरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयादुना कुतश्चित कौशलात एव परमात्मा विरोक्यते। अब इसके आगे क्या कहेंगे, अब थोड़े से एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जनक जी, कुछ एग्जाम्पल से इस बात को अपना बताना चाह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि यथा न तो यतो भिन्ना तरंगा फेन बुद्बुदा, यथा न तो यतो भिन्ना तरंगा फेन बुद्बुदा, आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्मविनिर्गतम्। कहते हैं कि देखो, जो समुद्र होता है उस समुद्र में लहरें होती हैं, समुद्र में तरंगे होती हैं, समुद्र में झाग होते हैं, फेन जिसको कहते हैं, झाग होते हैं, और उसके साथ छोटे छोटे बुलबुले, छोटे बड़े बुलबुले होते हैं। फेन और बुदबुद मतलब बुलबुला, ये सब दिखते तो अलग अलग हैं, क्योंकि बुलबुले की आयु थोड़ी सी, अभी बना अभी फट गया, अभी बना अभी फट गया, लहर की उससे थोड़ी सी बड़ी, कोई छोटी लहर, कोई बड़ी लहर, कोई सुनामी की लहर, तो लहरों की भी शेप अलग अलग, साइज अलग अलग, ताकत अलग अलग, आयु अलग अलग। उसी तरह से जो फेन बनाए, वो फेन अभी यहाँ है अभी वहाँ है, वो भी परिवर्तनशील। तो ये सब कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में समुद्र हैं। यथा न भिन्न, जिस प्रकार से न तो ये तो भिन्ना, तो ये कहते हैं जल को, तो ये है मतलब जल से, भिन्ना तरंगा फेन बुदबुदा, तरंगे फेन और बुलबुले जिस प्रकार से जल से भिन्न नहीं हो सकते, जल से अलग नहीं होते, उसी प्रकार आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। विनिर्गतम मतलब निकला हुआ, निर्गत मतलब निकला हुआ। तो आत्मा से निकला हुआ ये विश्व, या फिर वही बात कह रहे हैं कि ये मैंने ही प्रकाशित किया है सारे जगत को, ये मेरा ही सपना है देखा हुआ। तो इस आत्मा से निकला हुआ ये सारा जगत आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता, आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। तथा न आत्मनो भिन्नम, आत्मनो न तथा भिन्नम, आत्मा से भिन्न नहीं है। अब आप इस प्रकार कल्पना कीजिए कि एक तत्व है, वो आत्म तत्व, वो मैं आत्मा, वो आत्म तत्व अलग अलग रूपों में, अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग तरह का दिखाई दे रहा है, अलग अलग क्रियाएं कर रहा है, अलग अलग लीलाएं कर रहा है, उससे सारा जगत दिखाई देता है। दिखाई इसलिए देता है क्योंकि इसका प्रकाशक आत्मा है, क्योंकि इसका प्रकाशक वो परमात्म तत्व है जिसको यहाँ पर आत्मा कह के बताया गया, वो परमात्म तत्व, वो आत्म तत्व सारा जगत जिससे निकला, स्वप्न की तरह से कहिए या कहिए कि उसी की क्रिएशन है। जब वो आत्मा अपने आप में सिमट जाता है तो उसके लिए ये सारा कुछ कुछ भी नहीं रहता, बस केवल एक आत्मा ही आत्मा रहता है, आत्म तत्व ही रहता है। वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट, अपने आप से अपने आप में प्रसन्न,
अपने आप से अपने आप में तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, उसको कुछ करना कराना फिर बाकी नहीं रहता। बड़ी विचित्र स्थिति है, इसको जनक जी भी शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अलग अलग उदाहरण देके बता रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा तरंग पेन और बुदबुद यानी लहर झाग और बुलबुले जिस प्रकार जल से भिन्न नहीं होते, उस प्रकार से आत्मा से निकला हुआ ये सारा जगत आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। इसके आगे एक और तरीके से समझाने की तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्वद् विचारतः आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद् विश्वं विचारितम्। मान लीजिए कोई कपड़ा है, अगर आप कपड़े को देखते हैं तो वो कपड़ा अलग अलग शेप में दिखाई देगा, कभी वो कमीज बना हुआ दिखाई देगा, कभी वो पैंट बना हुआ दिखाई देगा, कभी किसी शेप में कभी किसी शेप में, लेकिन वास्तव में देखा जाएगा अगर उसको बारीकी से देखा जाएगा तो वो एक धागों के अलावा और कुछ नहीं होगा। तंतु मात्र, तंतु मतलब थ्रेड्स, केवल थ्रेड्स ही तो हैं, उनके ताने और बाने बुन दिए। ताना बाना कहते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको आपस में ऐसे करके उसको बुन दिया जाता है, आपस में वीव कर दिया जाता है तो कपड़ा बन जाता है। वास्तव में है क्या? वास्तव में है तो धागे, वो धागे कॉटन के हों, वो धागे रेशम के हों, वो धागे टेरिकॉट के हों, लेकिन है तो धागे। तो ये कपड़ा और कुछ नहीं, धागा मात्र है। उसी प्रकार ये जगत और कुछ नहीं है, केवल आत्मा है। ये सारा जगत और कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है। तंतु मात्रो भवेत एव पटो यद यदवत विचारत। अगर विचार करके देखा जाए तो ये सारा का सारा कपड़ा केवल तंतु मात्र है, केवल थ्रेड, ओनली थ्रेड, केवल धागा मात्र है। उसी प्रकार से आत्म तन मात्र में वेदम, उसी प्रकार से तद वत विश्वम विचारितम, उसी प्रकार से विचार करने पर ये विश्व भी केवल आत्म तत्व ही तो है और कुछ भी तो नहीं है। हर चीज का एक अधिष्ठान कारण होता है, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। तीन चीजें पहले हम सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे अगर किसी चीज का निर्माण करना है तो उसके लिए एक उसको बनाने वाला होना चाहिए, एक कुछ मटेरियल होना चाहिए जिससे वो चीज बने। मान लीजिए हमें कपड़ा बनाना है तो हमें धागा चाहिए और जुलाहा चाहिए, जुलाहा मतलब जो वीवर होता है, बुनकर। और तीसरा होता है अधिष्ठान कारण, अधिष्ठान मतलब आधार जिसके ऊपर रख के वो बनाया जाए, वो जो अड्डी जो अड्डा होता है वो अड्डा, वो अधिष्ठान मान लीजिए, उसके ऊपर धागों के ताने बाने बुने जाएंगे और उनको बुनने की कला जिसको आती होगी वो निमित्त कारण होगा, और जो मटेरियल लगेगा वो उपादान कारण होगा, और जहां पर ये निर्माण किया जाएगा वो अधिष्ठान कारण होगा। अधिष्ठान निमित्त मतलब बनाने वाला और उपादान मतलब मटेरियल। किसी भी चीज को बनाने के लिए, सांसारिक रूप से समझने के लिए ये चीजें चाहिए। तो इसके उदाहरण के लिए हम ऐसे उदाहरण दे पा रहे हैं कि जैसे धागे से सारा 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 कपड़ा बना हुआ है, ऐसे आत्मा से सारा जगत बना हुआ है। वास्तव में ये उससे भी ज्यादा विचित्र स्थिति है। यहाँ पर जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि काल में, प्रारंभ में केवल एक तत्व था और वो था परमात्मा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहम् यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो केवल एक परमात्मा थे, परमात्मा कहते केवल एक मैं था। अच्छा, अब सृष्टि बनानी है तो उनके पास मटेरियल भी कुछ नहीं था, अब उनके पास अधिष्ठान रूप में भी कुछ नहीं था, क्योंकि केवल एक परमात्मा ही परमात्मा तो थे, वो खुद ही अधिष्ठान बने, वो खुद ही मटेरियल बने और खुद ही उसके उपादान कारण बने, निमित्त कारण बने, खुद ही उसके उपादान बने, खुद ही उसके निमित्त बने, बनने वाले भी वही बने, मटेरियल भी वही वही बने और बनाने वाले भी वही बने। तो ये एक ही तत्व, उसका कारण भी था, वही तत्व उसका कार्य भी था। कारण और कार्य मतलब कॉज एंड इफेक्ट, जैसे धागा कॉज हो गया, इफेक्ट कपड़ा हो गया, कॉज से इफेक्ट आया, उसी तरह से परमात्मा से परमात्मा ही बने, कार्य भी वही है, कारण भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं भगवान को, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, निमित्त उपादान अभिन्न कारण। आज का सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग रहा कि मुझे पता नहीं चला, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं गया, तो फिर भी अभी लेट तो नहीं हुआ, टाइम तो बिल्कुल ठीक, टाइम पे जाके घड़ी की तरफ नजर जा रही है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 1 घंटा कैसे बीत गया। तो आज यहीं विराम देंगे, फिर जैसे जैसे भगवत प्रेरणा होगी, भगवत कृपा से, हरी इच्छा से, हम दोबारा से अगले वीकेंड्स पे फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे और जनक जी की इसी अवस्था को समझते समझते थोड़ी इस यात्रा को और आगे चलाने की कोशिश करेंगे। और न जाने, हो सकता है किसी न किसी के साथ हम में से ये घटना अचानक घट जाए, और मैं तो चाहता हूं कि हम सभी को ये अनुभूति एक साथ हो जाए, एक साथ ऐसी अनुभूति हो जाए। क्योंकि सच बोलूं तो ये अष्टावक्र गीता जी का अध्ययन करते करते कभी कभी मोमेंट्री, हमें अभी वो अवस्था तो नहीं आई, लेकिन मोमेंट्री ऐसा लगता है कि सब कुछ गायब हो गया, एकदम आप हवा में उड़ने लगे, ऐसा लगने लगता है। तो विचार शून्यता की अवस्था आने लगती है बीच बीच में, तो उस अवस्था तक, उसको अवस्था नहीं कहते, उस बोध तक हम पहुंचे और वो हमारे साथ भी घटना घटे, वो विस्फोट हमारे अंदर भी हो जैसा जनक जी के अंदर हो रहा है। तो इसी भाव के साथ आज यहीं पे विराम देते हैं। राम अमित गुण सागर ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ तुम ही सुनायउ सोई। बोली गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। डॉक्टर साहब, राधे राधे डॉक्टर साहब।